Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Khushi Dudhankar here, and also welcome back to a brand new video. सो गाइज आज का वीडियो इज ऑल अबाउट कि मैं जब भी बाहर नहीं जाती तो ऐसे दिनों में जब घर पे रहती हूँ तो क्या करती हूँ. सो पूरे दिन का टुडे आई विल शो व्हाट ऑल थिंग्स आई डू इन माय डे. तो वही है. और एक थिंग कि जिनको नहीं पता हु आई एम, सो आई एम खुशी दुधनकर. आई मेक कॉन्टेंट रिलेटेड टू डांस, ड्रॉइंग्स, आर्ट रिलेटेड थिंग्स, फैशन एंड व्लॉगिंग. इस रिलेटेड मेरे सारे वीडियोस रहते हैं. सो इफ यू आर लाइक लविंग टू वॉच माय वीडियोस देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन. जल्दी मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स कर दो, जल्दी जल्दी कर दो. हाँ, और जिनको नहीं पता मेरा बर्थडे भी आ रहा है अभी. आई एम एक्साइटेड. मैं पहले 2 महीने पहले से ही बोल रही थी मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है. तो इट्स ऑन 28 जून. सो आई एम एक्साइटेड कि मेरा बर्थडे आ रहा है. बहुत खुशी हो रही है. सो हम लोग अभी अपना पहला आज के दिन का पहला काम स्टार्ट कर देते हैं. मुझे करने ये कपड़े घड़ी. फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डू दैट. और मैं आप सबको मेरा छोटा सा एक रूम टूर भी दिखा दूंगी. मेरे रूम में मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा, बट जितना भी है वो सारा दिखा दो. या मौशी काय काय काम करते थे दाखवते किती काम करते ना मी. इकडून आल्यानंतर सांगा का मावशी तुम्ही पण कि खुशी खूप काम करते म्हणून. घरी असल्यावरती करायला लागतं. कॉलेज चालू असले की काय नाही करायला जमत. सांगा मावशी मी काम करते म्हणून. इथे सांगा मम्मीला. नाही ह्याला सांगा ना काम करते इथे व्हिडिओ मध्ये. भरपूर काम करते. हा भरपूर काम करते. कंट्रोल. मी यूट्यूब वरती व्हिडिओ टाकते ना. तर तिथे सबस्क्राइब करा मावशी मला तुम्ही पण. यूट्यूब वर ना. यूट्यूब वर हो टाकत राहते काय 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 आपलं. आज गाइस काजू कतली खाने. मेरे कपड़े घड़ी करके हो गए हैं. सो रख देती हूँ अभी ये थोड़ा साइड में क्योंकि मुझे बोलना है. सो गाइज आपको जैसे कि पता है मैं हर एक वीडियोस में मेरे लाइक ज्ञान भाषण देती रहती हूँ, जिससे 1% लोग तो एटलीस्ट मोटिवेट होते हैं. ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो उनके मैसेज जब आते हैं ना कि हाँ ऐसे वैसे है, तो आप ऐसे ट्राई करो वीडियो डालना वैसे करो. तो मैं तो वैसे कुछ एकदम मोटिवेशनल चैनल नहीं खोल रही हूँ, बट मेरे वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर दिखेगा. कि एटलीस्ट जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अभी जल्दी 2000 हो गए, जल्दी बहुत सारे हो गए, क्योंकि आई हैव फेथ इन माई सेल्फ कि मैं कर सकती हूँ. तो मैं करूँगी. आई डोंट हैव एनी वन टू स्टॉप. तो दैट्स वॉट ओके. तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ऐसा सुनने का, तो आई विल ऑलवेज ऐड 5 मिनट्स क्लिप या फिर कुछ समथिंग मोटिवेशनल कि आप वो सुनो मेरे ब्लॉग्स में. ठीक है, तो नाउ टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग. ऐसे हम टॉपिक्स लेंगे. ठीक है, सो वो आज का टॉपिक है अपना कि 1920 एज के बच्चे, मतलब मेरे एज के बच्चों, मतलब लाइक अडल्ट एंड टीन एज, जो अभी अडल्टहुड क्रॉस करेंगे, तो जो 18 ईयर्स 19-20 ईयर्स के बच्चे हैं, तो उनको क्यों डिप्रेशन होता है, क्यों टेंशन होता है, क्यों बाकी की चीज़ें लाइक दिमाग में चलते रहते हैं. सो लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं कभी कभी कि यार सब कुछ अच्छा चल के भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना. सो वैसे कंडीशन में वॉट यू हैव टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग कि आजकल के जनरेशन के बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ का है. होना चाहिए लाइक फ्यूचर की टेंशन, बट रहती है कुछ अलग टेंशन, कुछ अलग फ्यूचर प्लानिंग्स के टेंशन रहते हैं आजकल की जनरेशन के बच्चों को. पर मैं ऐसे डायरेक्टली अभी इस वीडियो में नहीं बोलूँगी, क्योंकि
देर आर मैनी पेरेंट्स की वो भी मेरी वीडियोज देखते हैं, है ना, तो उनको भी समझ जाएगा क्योंकि वो पेरेंट्स हैं. तो मैं जिस बारे में बोल रही हूँ, तो आजकल के बच्चों को टेंशन चाहिए. मैं भी एक इसी जनरेशन की लड़की हूँ, सो आई नो दैट कि चाहिए टेंशन फ्यूचर की, मतलब लाइक जॉब एंड ये एंड वो, ओके. बट अभी है टेंशन कि कुछ अलग बात की, तो वो टेंशन निकाल दो. पहले तो फोकस ऑन योर गोल्स, ठीक है. किसी को भी इधर यहाँ पे ये नहीं होना है कि यार मेरा फ्यूचर अच्छा ही नहीं चल रहा, होगा ही नहीं, क्या ही कर रहा हूँ, सिर्फ सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना है. पहली बात तो निकाल दो दिमाग से वो कि मुझे सिर्फ करना है, मत करना है ना, तो उसके लिए कुछ तो करना स्टार्ट करो. एटलीस्ट ब्रिंग योर लाइफ इन डिसिप्लिन. जो स्लीप साइकिल बिगाड़ कर रखी है आपने, जो लोग नहीं, मतलब सॉरी सब लोग बोलेंगे हम तो जल्दी उठते हैं यार, हम तो जल्दी सोते हैं, तू क्यों हमें बोल रही है. बट जो लोग नहीं सोते ये इनके लिए है, ठीक है. जल्दी सो, जल्दी उठो, स्लीप साइकिल ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, आपका दिमाग भी ठिकाने पे आएगा. तो वही है. और मैं मेरा कहना चाहूँगी तो मैं भी इसी जनरेशन की हूँ ना, तो मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं जिस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई ऐसा ऐसे वो ये एंड वो ओके. बट योर सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट थिंग इज अपनी स्लीप साइकिल ठीक करो, सेकेंड थिंग इज अपना फ्रेंड सर्कल ठीक करो. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड जो मेरी जैसी ही है, और उसके पास देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, शी इज करेक्ट. क्योंकि ब्रो, हम दोनों का ब्रो कोड ऐसा है ना भाई कि अगर मैं गलत हो रही हूँ मुझे पता है कि तू गलत जा रही है, खुशी वो जा रही, तो मैं उसको बताऊंगी गलत जा रही है. और वो है नंदिनी, आपने बहुत वीडियोस में उसको देखा है, मेरी बचपन की दोस्त है वो. जैसे नंदिनी है, आई हैव दिस 6 फ्रेंड्स इन माई लाइफ, ओनली 6 फ्रेंड्स जिनके साथ मेरा हमेशा बात करना होता है. वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे रहते हैं, देयर आर मैनी मैनी फ्रेंड्स, है ना, बट जो अपने रहते हैं ना, वैसे आई हैव ओनली 6 फ्रेंड्स जिनके साथ मैं बात करती हूँ. लाइक डेली बात नहीं होती, डेली तो सिर्फ नंदिनी से होती है और रक्षा से होती है, ये दोनों से मेरी डेली बात होती है. और ये जो बाकी के 4 फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ मैं डेली बात करूँ या ना करूँ, हमारा बॉन्डिंग वैसा ही होता है. तो वो है मानसी, फिर शिवानी, नक्षत्रा एंड श्रावणी, दिस आर दिस 4 फ्रेंड्स. तो मेरे पास 6 फ्रेंड्स हैं जो मेरे हीरे हैं, डायमंड्स. सेकेंड थिंग इज फ्रेंड सर्कल ठीक करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फ्रेंड, संजू पिक्चर किस किस ने देखा है, देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ देखा है. फ्रेंड्स अगर अच्छे हैं ना तो आपकी लाइफ इधर से इधर जाती है, फ्रेंड्स बुरे हैं तो इधर से इधर आती है. सो हैव गुड फ्रेंड्स. थर्ड थिंग इज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर पेरेंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. उनके साथ रह के समझेगा कि दुनिया में क्या ही क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. उनके साथ रह के ये सारी चीज़ें समझेगी कि जो हम अभी कर रहे हैं वो कितना गलत है और ये जो हमें बता रहे वो कितना सही है. सो जस्ट डू दिस ऑल 3 थिंग्स, बस मैं इतना कहना चाहूँगी गाइज. और बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड. आप करना ठानोगे ना तो आप कर पाओगे. हैव दैट फेथ, हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है गाइज. मैं इतना ही बोलूँगी, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, और अगर ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत ही बोलने लग जाऊँगी. तो इसके लिए पहली बात स्लीप साइकिल ठीक करो, दूसरी बात फ्रेंड सर्कल ठीक करो, तीसरी बात फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है. और हैप्पी रहना स्टार्ट करो. आज मैं भी क्यों कर रही हूँ पता है ये वीडियो, मैं नहीं बैठ सकती ऐसी, मैं बैठ ही नहीं सकती गाइज ऐसे, क्योंकि आज तो इट्स जस्ट अ रीज़न बट आई कांट सिट आइडल. कि आज अगर मेरे पास कुछ काम नहीं है ना, काम मतलब सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं रहता. अगर मैं ड्राइंग क्लास डांस क्लास ले रही हूँ तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं ले रही हूँ, वो अलग है. पर बाकी वो छोड़ के मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ. सिर्फ काम इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, हाउ यू आर लाइक इन्वेस्टिंग योर ओन टाइम इन योर सेल्फ. तो वो भी है. तो मैं क्यों करती हूँ, मैं नहीं बैठ सकती भाई ऐसे ही कि मैं बैठी हूँ यार मुझे बोरी हो रहा है. तो मैंने जानबूझ के ये किया कि आज मैं वीडियो करूँगी. बहुत ऐसे दिन आते हैं मुझे लगता है कि नहीं करना है वीडियो, आज नहीं करना है वीडियो, नहीं करना, काम नहीं करना, कुछ नहीं करना. बट देन टू आई पुश माई सेल्फ, समटाइम्स ब्रेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स डोंट टेक एनी ब्रेक. इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग ब्रेक्स देन इट विल गो दिस मच, इट विल बी ओनली ब्रेक, बाकी कुछ नहीं रहेगा वो. तो मैंने भी वही बोला कि आज कुछ ना कुछ काम करेंगे. घर का काम करना इज ऑल्सो काम, फिर पढ़ाई करना, टीन एज बोला तो अपने एज के बच्चों को पढ़ाई तो मेन है ना, पढ़ाई करेंगे तो फ्यूचर बनेगा.
तो वो करो। मैं भी लाइक मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, मैं अभी बीई कर रही हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो एडमिशन ले रही हूँ अभी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज, खुशी है ना, खुश रहो। बस अभी मुझे जूते आएंगे उधर से, ठीक है, चलेगा। मैं अभी आगे का दिन कंटिन्यू करती हूँ, आप सिर्फ खुश रहने का काम करो। वी आर यूनिटी, ब्रो कोड, ब्रो कोड, वी आर यूनिटी, कुछ भी हो खुशी है। चलो उठो, काम करो आप भी आपके खुद का, एंड ये वीडियो देखना पर प्लीज पूरा देखना, सब्सक्राइब भी करना। चलो, अरे देवा, भाषण भाषण खत्म हो गया आज का, अभी आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं। सो अभी मैं आपको एक मेरा रूम टूर देती हूँ, छोटू सा टाइम पास वाला। ये हालत पूरी खराब जो की है डोर्स की, वो हमारे डॉगी ने की है, रॉकी। चलो, सो दिस इज द एंट्रेंस, ठीक है। अभी इस रूम को हम बंद करते हैं, एक मिनट। ये है मेरे पर्दे जो मुझे अभी नए लेने हैं। ये पूजा अभी मैंने जस्ट की है, सो दिस इज हियर ओनली इन माय रूम। और दिस इज माय ह्यूज किंग साइज बेड, दिस इज द पेंटिंग जो मैंने की है अभी। ये जो उसके ऊपर दिख रहे हैं ना ऐसे डॉट डॉट्स डॉट डॉट्स, तो उधर पहले पेंटिंग चिपकाए थे मैंने, तो उसके वो तो इतना गंदा दिख रहा, तो मैंने बोला कुछ तो टेम्पररी जुगाड़ करते, तो मैंने ये पूरा ड्राइंग निकाला था उधर, ठीक है। सो ये वाली अभी साइड दिखाते हैं, हम लोग आए उधर से। सो दिस इज माई बेड और दिस इज द लुक फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग टेबल, ये भी ड्राइंग मैंने ही निकाली है, पूरी पेंटिंग मैंने की है। फिर ये भी वॉल मैंने क्रिएट की थी, ये पूरी आप इसका भी पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना। इसमें मैंने वो लाइट्स लगाए थे, ये लाइट है यहाँ पे, तो क्या हो गया ना वो उतर रहा था, लाइक निकल रहा था उधर से, पूरे से चिपकाए थे, तो गर्मी में ना शायद से वो बहुत ये हो गया और निकल रहा था वो लाइटिंग, तो मैंने वो निकाल ही दिया, क्योंकि मैं डेली जलाती भी नहीं हूँ वो लाइट को। सो हाँ, ये है मेरा बेड का, ये मेरा ड्राइंग का सामान, मैं कुछ ड्राइंग कर रही थी इसके लिए। और दिस इज द एरिया, यहाँ से पूरा मेरा ऐसा बेडरूम दिखता है, ठीक है। दिस इज माय प्रॉपर बेडरूम, हाँ, तो ये है मेरा बेडरूम। और फिर इस जगह पे ये जो मैंने बिछाया है, तो ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे सारे बैग्स। तो ये सारे मेरे जो बड़े हैंड बैग्स टोट बैग्स है ना, ये सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि लगते हैं मुझे पसंद है टोट बैग्स। तो इन टोट बैग्स के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ और बैग्स रहेंगे इनके अंदर, और छोटे छोटे मैंने बैग्स रख दिए, सारे जो क्लच बैग्स है ना, तो ये सारे बड़े बैग्स के अंदर मैंने वो रख दिए, मतलब जब भी चाहिए तब हम यूज कर सकते हैं इन सब में। मेरे बाकी के बैग्स है, छोटे छोटे क्लच बैग्स मैंने रखे हैं इसमें, सारे चेन्स में। तो ये एरिया इसका है, इसके नीचे तो मेरे सारे बुक्स हैं। ये जो है ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट लाया है इंदौर से बर्थडे का, ये प्लीज इसमें सारा मेरा ड्राइंग का सामान है, ठीक है, ये आप इग्नोर करना। इसमें सारे मेरे घर के कपड़े हैं, इसमें सारे बुक्स हैं मेरे नीचे कॉलेज के। ये तो मेरा कपबोर्ड है, आपको एक स्मॉल गंदा है बहुत मेरा कपड़ा दिखाती हूँ मैं। सो ये है मेरे सारा पसारा कपड़ों का जो भर भर के रखा है, अभी जगह नहीं है इसके लिए, इधर कपड़े आ गए मेरे बाहर अभी। ये है मेरा स्मॉल क्लोजेट, इसके लिए मुझे बड़ा क्लोजेट लेना है एक, ठीक है। और ये है मेरी कॉलेज की बैग, मैं अभी स्कूल की बैग बोलने वाली थी, तो इसमें भी मेरे सारे बुक्स है। ये अभी मैं लाइक यूज कर रही हूँ क्लास के लिए लेके जाने के लिए, एंड ऑल ये वाली ब्लैक बैग। तो इधर से लाइटिंग कैसी आती है। तो ये है मेरा छोटू सा अच्छा सा रूम, मुझे मेरा रूम बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा ही खाली खाली पसंद है, क्योंकि बहुत भरा हुआ अच्छा नहीं लगता आंखों को देखने के लिए। सो आई लाइक एंड लव माई रूम ऐसे ही, और अगर कुछ इन फ्यूचर इसमें चेंजेस होंगे तो आई विल शो यू ऑल गाइज, होंगे ना, ज़रूर होंगे, बट मुझे ऐसे ही अभी पसंद है लाइक कम। चलो अभी इसके ऊपर मैंने ये क्यों बिछाया था, क्योंकि धूल हो जाती है ना, तो इसके लिए।
तो जरूर बताना मेरा छोटे ही से रूम का, छोटा रूम नहीं है मेरा, बहुत बड़ा रूम है बाय द वे। हाँ, और मेरे रूम में ये अटैच्ड बालकनी भी है, पूरी ऐसी बड़ी वाली बालकनी है मेरे लिए, मेरे पापा ने बनाई हुई। तो बहुत सुंदर व्यू है मेरे रूम से। सो या ये था मेरा रूम टूर। अभी मैंने पूजा की, अभी मैं खाना खाऊंगी, फिर वापस आपसे मिलूंगी और फिर बाद में व्लॉग एंड कर दूंगी, क्योंकि ये व्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत भाषण किया है मैंने ऑलरेडी, वो भी सुनना। ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू नीड्स आपके रूम्स चेंज होते रहते हैं ना, तो अभी मेरा एकदम मिनिमलिस्टिक, छोटे छोटे, बहुत कुछ प्रीटीएस्ट ऐसा नहीं है मेरे रूम में, बट मुझे मेरी स्पेस पसंद है, आई लव दिस स्पेस। इधर पूजा का मतलब लाइक भगवान है मेरे साथ ही, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। चलो खाना खाते हैं। रॉकी, रॉकी।